गुड इवनिंग बच्चों, दिस इज संतोष श्रीवास्तव फ्रॉम सुपर 60 एजुकेशन हब। टुडे दिस इज फिफ्थ सेट ऑफ प्रैक्टिस सेट, सुपर 60 प्रैक्टिस सेट, एंड लेट्स बिगिन। जस्ट लेट्स बिगिन। दिस इज कॉमन एरर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम lasted approximately 1500 years compared to the 500 years of the Republican era. The imperial period of Rome, कोई error है? Lasted, last means so, जितने लंबे समय तक कोई कार्य या कोई चीज चल रही हो वो last होती है। तो lasted approximately, लगभग, nearly, approximately 1500 year compared to, यानी जो इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम था, रोम का जो शाही साम्राज्य था, समय था, लास्टेड, वो चला अप्रोक्सीमेटली 1500 year, करीब 1500 साल तक चला, compared to the 500 years of the Republican era, यानी किसकी तुलना में? रिपब्लिकन एरा, यानी गणतांत्रिक युग जो था, रिपब्लिकन एरा के 500 साल की तुलना में जो इंपीरियल पीरियड था रोम का, वो करीब 1500 साल चला। क्या गलत? द इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम, यहां गलत है, लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर कंपेयर, यहां गलत है, टू द 500 ईयर्स ऑफ द रिपब्लिकन एरा, यहां गलत है, या नो एरर है? कॉपी और पेन ले रहेगा, धीरे धीरे अपने को एग्जामिन करिएगा कि आपका कहां पे कितना सही हो रहा है, कहां पे गलती है। द इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम सही है, लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 1005 ईयर कंपेयर, 1500 ईयर सही है, क्लू है आपके पास 500 ईयर्स, तो फिर 1500 ईयर कैसे होगा, क्या हो जाएगा? 1500 ईयर्स हो जाएगा। तो द इंपीरियल पीरियड ऑफ रोम लास्टेड अप्रोक्सीमेटली 1500 ईयर्स कंपेयर हो जाएगा। बी पोर्शन में आपके एरर है। दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ कॉमन एरर। हॉरर मूवीज टेंड्स टू बी अ वेस्टर्न शोविंग एरास ऑफ इश्यूज, एरास ऑफ इश्यूज बहुत सारे मुद्दे, अनगिनत मुद्दे, अक्रॉस द ग्लोब, यानी विश्व के एक पार से दूसरे पार, विजुअली, यानी विजुअल रूप में, एंड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, और बहुत प्रभावशाली तरीके से। हॉरर मूवीज टेंड्स टू बी अ वेसल, यानी ऐसा लगता है जो हॉरर मूवीज हैं वो एक वेसल की तरह, एक पात्र की तरह है। फॉर शोविंग एराज ऑफ इश्यूज, जिनमें बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो आपको दिखाए जाते हैं अक्रॉस द ग्लोब, वो मुद्दे जो आप विश्व भर में व्याप्त पाए जाते हैं, यूजुअली विजुअली, यानी विजुअली दिखाए जाते हैं, एंड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, और बहुत शानदार तरीके से दिखाए जाते हैं। क्या है? देखिए, बहुत बार ऐसा होगा जहां एरर जो होगी बहुत माइन्यूट होगी, बहुत छोटी सी होगी, लेकिन उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, बहुत छोटी सी एरर, समझ में आ रहा है? ए में कोई एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, या नो एरर है, कहां पे एरर है आप नहीं समझ में आ रहा? हॉरर मूवीज टेंस, हॉरर मूवीज सिंगुलर है या प्लूरल? प्लूरल है ना, तो वर्ब में एस कैसे जुड़ेगा? हॉरर मूवीज टेंड होगा, नॉट टेंस, टेंड मींस प्रवृत्त होना, जिस तरफ आप बढ़ रहे हो वो आपकी टेंडेंसी होती है, आपकी प्रवृत्ति होती है, जो आपका इंटेंशन होता है वही आप टेंड करते हैं। तो हॉरर मूवीज टेंड टू बी अ वेसल हो जाएगा, न कि हॉरर मूवीज टेंड टू बी। अगर यह हॉरर मूवी होता तो आप टेंस लिख लेते, हॉरर मूवीज है तो टेंस कैसे? टू बी अ वेसल सही है, यानी वेसल के रूप में है वो,
शोविंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, शोविंग एरास ऑफ ही सोच, बहुत सारे मुद्दों को परिलक्षित करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया भर के मुद्दों को विजुअली सही है दृष्टिगत रूप में, एंड इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, बहुत शानदार तरीके से। अगर आप चाहते तो ऐसे लिख सकते थे विजुअली एंड इफेक्टिवली, तब फिर आपको इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर जो नहीं पढ़ते, विजुअली एंड मोस्ट इफेक्टिवली का प्रयोग आप कर सकते थे। ओके, सेकेंड क्वेश्चन था, दिस इज थर्ड क्वेश्चन ऑफ कॉमन है, प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड, यानी बशर्ते कि मौसम जो है वो सही हो, वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच, तो हम आफ्टर लंच यानी लंच के तुरंत बाद क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, क्या है प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड, यानी शर्त ये है कि मौसम जो है वो अच्छा हो, तो वी शैल गो आउट शॉर्टली आफ्टर लंच, तो लंच के तुरंत बाद हम निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, क्या गलत है यार, ए बी या सी या नो एरर, ध्यान रखिएगा जो भी बच्चे आप में कर रहे हैं निश्चित ही उनको फायदा होगा, और बहुत सारे बच्चे इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो बर्ड पावर के हैं या इस तरह चीजें हैं वो मिल भी रही हैं, तो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इसका जबरदस्त फायदा होगा, और आगे भी आपके एग्जाम है, CHSL है, MTS है, बहुत सारे एग्जाम है, ये तो रेगुलर आपको मिलता रहेगा, आप इनका फायदा लें बस। जल्दी ही मैं लाइव आने वाला हूं, ये चीजें मैं लाइव करूंगा तो आपको और इसका बेनिफिट होगा। ओके, प्रोवाइडिंग दैट द वेदर इज गुड, प्रोवाइडिंग दैट, क्या बोर की नहीं लग रहा आपको, प्रोवाइडिंग दैट नहीं होता है, जो कंडीशनल कंजंक्शन होती है वो प्रोवाइडिंग दैट नहीं होती है, प्रोवाइडेड दैट होती है। अगर आपको कंडीशनल में याद हो, इफ है आपका, अनलेस है आपका, इन केस है आपका, प्रोवाइडेड दैट है आपका, वंस है, शुड है, ये सारे क्या होते हैं, कंडीशनल्स होते हैं, तो प्रोवाइडिंग दैट नहीं होता है, बशर्ते की मीनिंग प्रोवाइडेड दैट होती है, तो प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज गुड, आप इस प्रोवाइडेड दैट के स्थान पे चाहते तो इन केस का भी प्रयोग कर सकते थे, और अगर एक नॉर्मल मैनर में आप चाहें तो इफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो इफ द वेदर इज गुड तो भी सही होगा, इन केस द वेदर इज गुड तो भी सही होगा, और प्रोवाइडेड दैट द वेदर इज गुड तो भी आपका सही होगा, यानी यहां पे प्रोवाइडिंग दैट के बजाय प्रोवाइडेड दैट हो जाए। सेंटेंस फिलर क्वेश्चन नंबर 4, वी वर कंप्लीटली टेकन डैश बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक, क्रूक मींस धोखेबाज, यानी हम पूरी तरह से क्या हो गए, टेकन इन, चौंक गए, मींस हम एक तरह से फंस गए, बाय द स्टेट एजेंट, किसके द्वारा, उस स्टेट एजेंट के द्वारा, प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा, हु टर्न आउट टू बी, टर्न आउट टू बी मींस पता चलना, जिसके बारे में आपको बाद में पता चलता हो, ही टर्न्स आउट टू बी, तो जब वो स्टेट एजेंट जो था पता चला कि वो क्या है, धोखेबाज, जैसा कि अक्सर आप जानते होंगे जो इस तरीके के मसले होते हैं प्रॉपर्टी डीलिंग में, बहुत ज्यादा मसले आते हैं इस तरीके के धोखेबाजी के, फ्रॉडुलेंट के, तो वी वर कंप्लीटली टेकन फार बाई होगा, टेकन ऑन होगा, टेकन ऑफ होगा, या टेकन इन होगा, क्या सही रहा, टेक फार मीन्स होता है किसी चीज को मान लेना, ग्रांट कर लेना, टेक ऑन मीन्स होता है सामना करना, टेक ऑफ मीन्स होता है जूते वगैरह सेंस में उतारना, कपड़े वगैरह उतारना, लेकिन उड़ान के सेंस में उड़ान भरना, और टेकन इन मीन्स होता है चौंक जाना, तो दिस इज द आंसर, टेकन इन, वी वर कंप्लीटली टेकन इन, यानी हम पूरी तरह से चौंक गए, बाय द स्टेट एजेंट हु टर्न्ड आउट टू बी अ क्रूक, हम उसकी गिरफ्त में आ गए, फंस गए, चौंक गए, ये जान करके कि वो स्टेट एजेंट क्या है, क्रूक, यानी यहां पे टेकन इन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा, बी टेकन इन होता है जिसके मीन्स चौंक जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, या फिर फंस जाना। क्वेश्चन नंबर 5, सेंटेंस फिलर भी आओ, द न्यूक्लियर साइंटिस्ट वार, यानी वो चेतावनी देते हैं द पीपल, लोगों को, दैट ही
और न्यूक्लियर वार यानी जो न्यूक्लियर वार है और युद्ध परमाणु युद्ध है कैन डैश द होल वर्ल्ड, ये पूरे संसार को न्यूक्लियर वार क्या कर सकता है, डिसेबल कर सकता है, उसे अक्षम बना सकता है, डिस्पेंस विद कर सकता है, ऑब्लिट्रेट कर देता है, कर सकता है या फ्राइटन कर सकता है, क्या सही? द न्यूक्लियर साइंटिस्ट वार्न द पीपल दैट अ न्यूक्लियर वार एक परमाणु युद्ध कैन डिसेबल द होल वर्ल्ड, कैन डिस्पेंस विद द होल वर्ल्ड, कैन ऑब्लिट्रेट द होल वर्ल्ड या कैन फ्राइटन द होल वर्ल्ड, क्या सही? मैं फिर कहूंगा जो बच्चे आपने मॉडरेट लेवल पे हैं वो बच्चे वर्ड पावर को अपनी स्ट्रेंथ बनाए, अनलेस एंड अंटिल योर वर्ड पावर इज स्ट्रॉन्ग यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस इट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू आंसर इन करेक्ट मैनर। तो आपको कहीं ये समझना होगा कि वर्ड्स के मीनिंग जाने, सेंटेंस के हिंदी जाने तो आपके लिए आसान हो जाए, अगर आप हिंदी समझे तो आसान हो जाए। डिसेबल अक्षम बना देना, डिसेबल कर देना या अक्षम। डिस्पेंस विद मीन्स होता है इफ यू आर गोइंग टू डिस्पेंस विद कंप्यूटर्स, मीन्स उनसे छुटकारा पाना, ये काम आएगा, डिस्पेंस के साथ विद लगता है काम आएगा। ऑब्लिट्रेट मीन्स नष्ट कर देना, मिटा देना, और फ्राइटन मीन्स डराना। अगर न्यूक्लियर वार होता है वो क्या करेगा, पूरे संसार को डिसेबल करेगा, बिल्कुल नहीं, पूरे संसार को डिस्पेंस विद करेगा, छुटकारा पालेगा, बिल्कुल नहीं, पूरे संसार को ऑब्लिट्रेट करेगा, नष्ट कर देगा, बिल्कुल कर देगा, क्या कर देगा, एक न्यूक्लियर वार जो है वो द होल वर्ल्ड को क्या कर देगा, ऑब्लिट्रेट कर देगा, नष्ट कर देगा। तो द न्यूक्लियर साइंटिस्ट वार द पीपल दैट अ न्यूक्लियर वार कैन ऑब्लिट्रेट द होल वर्ल्ड को, बी ऑप्शन। सिनोनिम्स आसान है, स्क्वांडर, स्क्वांडर मीन्स बेतहासा खर्च कर, पैसे वगैरह बर्बाद करना, कर लेंगे आप तो कर ही लेंगे आप, एक्सपेंसिव वेस्ट सेव या इकोनॉमिकल, क्या हो जाएगा, स्क्वांडर एक्सपेंसिव वेस्ट सेव या इकोनॉमिकल, बहुत आसान। स्क्वांडर मीन्स अगर बेतहासा खर्च करना, बेवजह खर्च करना, चाहे आपके पैसे हो चाहे आपका टाइम हो, अगर ये दोनों आप खर्च करते हैं तो आप उसे वेस्ट करते हैं, अगर बेवजह खर्च करते हैं तो स्क्वांडर का सिनोनिम हो जाएगा वेस्ट। एक्सपेंसिव कोई चीज जो महंगी है, सेव यू नो बचाना, इकोनॉमिकल जो आदमी बचत करने का आदी हो, वन हो स्पेंसलेस, जो आदमी कम पैसे खर्च करता हो वो इकोनॉमिकल है, मित व्यय है। तो स्क्वांडर का सिनोनिम वेस्ट। सिनोनिम नंबर 7, गजल, गजल वो गजल नहीं, गजल, सिप करना, इम्बाइब करना, स्टार्व करना, रिलीज। अभी कब जान पाएंगे आप, जब आप पहले ये जानेंगे कि गजल मीन्स क्या होता है, क्या होता है। कुछ बच्चे मुबहस वगैरह भी यूज कर लेते होंगे उसी में, चले कोई बात नहीं। गजल, गजल मीन्स होता है जब आप ड्रिंक करते हैं, पीते ही कोई चीज तो आप गजल करते हैं, तो सिप नहीं होगा ना, सिप में चुस्की लेना होता है, जो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, वो सिप करना होता है, नहीं होता। इम्बाइब करना हो जाए, इम्बाइब करना मीन्स पी जाना, किसी चीज को ड्रिंक कर लेना, चाहे अल्कोहल ही क्यों ना हो, पी जाना होता है। वैसे जब आप किसी विचार को आत्मसात कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो भी आप इम्बाइब करते हैं। स्टार्व नहीं होगा, स्टार्व मीन्स भूखो रखना होता है, भूखा मारना होता है, और रिलीज मीन्स मुक्त कर देना होता है। तो गजल का सिनोनिम हो जाएगा इम्बाइब, पी जाना, किसी चीज को आत्मसात कर लेना, तो सिर्फ स्टॉर्म या रिलीज नहीं होगा, इम्बाइब हो जाए। एंटोनिम्स आ गए हमारे सामने, फ्लैशेट, फ्लैशेट का एंटोनिम ढूंढना है, फर्म होगा, सॉली होगा, फैट होगा या फ्लैबी होगा। फ्लैशेट का एंटोनिम, नॉट सिनोनिम, फ्लैशेट का एंटोनिम, फ्लैशेट मीन्स होता है
झूलता हो, जो बहुत मुलायम हो, मीन्स जो बहुत एक सॉफ्ट पोजीशन में होता है, वो फ्लैशिड होता है। नेगेटिव वर्ड है, जैसे किसी का हाथ है ऐसे है, ये आपका फ्लैशिड है, झूलता हो, नेगेटिव वर्ड है आपका। तो अगर फ्लैशिड में झूलता हुआ मुलायम या सॉफ्ट नरम होता है तो क्या इंटर्निंग हो जाएगा, क्या फर्म होगा? बिल्कुल होगा, फर्म मींस सख्त कठोर, यही होता है कि फ्लैशिड का इंटर्निंग फर्म हो जाएगा। सॉली आप समझते होंगे, जो आदमी हसमुख होता है, हमेशा खुश रहता है, वो सॉली होता है। फैट से कोई मतलब नहीं इसका है। फ्लैबी इसका सिनोनिम है आपका। फ्लैबी मीन्स ये होता है ढीला ढाला, झूलता हुआ, नरम। तो फ्लैशिड का सिनोनिम इसी में फ्लैबी है और फ्लैशिड का एंटोनिम इसी में फर्म है। ए ऑप्शन हो जाए। टेम्पेस्टुअस का एंटोनिम आपको ढूंढना है। टेम्पेस्टुअस का एंटोनिम स्ट्रेस होगा, ट्रायल होगा, काम होगा या एग्जामिन होगा। क्या ध्यान से इस शब्द को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा इस शब्द का मतलब क्या हो सकता है और इसका एंटोनिम भी क्या हो सकता है। ध्यान से देखें, आप सोचिए। टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट मीन्स तूफान। तो टेम्पेस्टुअस जो तूफानी हो, यानी बहुत इमोशंस में जब बहुत ज्यादा आपके भूचाल आ जाता है, बहुत तूफान आ जाता है, तो वो टेम्पेस्टुअस होता है। इट मीन्स इफ योर इमोशंस आर जस्ट गोइंग हायर एंड हायर, बहुत ज्यादा हो जाती तो वो तूफानी हो जाती हैं, या फिर कोई बहुत तूफानी चीज है, तूफानी आ रहा है, तो वो टेम्पेस्टुअस होता है। तो अगर टेम्पेस्टुअस मीन्स तूफानी होता है तो काम मीन्स क्या होता है, शांत होता है बिल्कुल। स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस मीन्स दबाव या जोर होता है। ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल मीन्स कठिन परिश्रम करना होता है, और एग्जामिन मीन्स परीक्षण करना होता है। तो टेम्पेस्टुअस का सिनोनिम काम हो जाएगा, शांत। इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं आपके पास। फर्स्ट ब्लस, फर्स्ट ब्लस का क्या होगा? फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट साइट, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज। फेज में चरण, जैसे पहला फेज, दूसरा फेज, मीन्स पहला चरण, दूसरा चरण। तो क्या होगा फर्स्ट ब्लस का? फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट साइट, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज, क्या होगा? फर्स्ट ब्लस मीन्स होता है पहली नजर। ही फेल इन लव एट फर्स्ट ब्लस। तो फर्स्ट ब्लस मीन्स फर्स्ट साइट, पहली नजर। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है, पहला प्रयास। फर्स्ट स्टेप पहला कदम, फर्स्ट फेज पहला चरण, बल्कि फर्स्ट ब्लस का होगा फर्स्ट साइट, यानी पहली नजर। लुक्ड ब्लैंक या लुक ब्लैंक इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा एग्जाम में। लुक ब्लैंक वॉज विदाउट एनी इमोशन, बिना किसी इमोशन के। वॉज पजल्ड एंड सरप्राइज, बहुत आश्चर्यचकित था, परेशान था। वॉज अनइंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्ट नहीं था। या वॉज अनहैप्पी, नाखुश था। क्या लुक्ड ब्लैंक? लुक ब्लैंक मीन्स होता है जब आप इमोशनलेस हो जाए, आपके मन में कोई इमोशन ही ना हो, यू आर जस्ट लैकिंग इन इमोशन। तो लुक्ड ब्लैंक मीन्स वास विदाउट एनी इमोशन, यानी भावना शून्य हो जाना। लुक ब्लैंक, ब्लैंक में स्वस्थ समझते होंगे खाली, आपके अंदर कोई भावना ही नहीं, खाली हो चुके हैं। यू आर लुकिंग ब्लैंक मीन्स वास विदाउट एनी इमोशन। चूंकि लुक्ड ब्लैंक था इसलिए यहां पर वास दिया गया, वास विदाउट एनी इमोशन। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। Neither plants nor animals can survive without oxygen. यानी न ही plants न ही animals oxygen के बिना survive कर सकते हैं। क्या हुआ? Plants can neither, neither can, neither can plants, plants neither या no improvement। आपको याद है ना, neither dot dot nor coordinating conjunction है, either dot dot are coordinating conjunction है, not only dot dot but also coordinating conjunction है, both dot dot and coordinating conjunction। ये हमेशा समान parts of speech को जोड़ेंगे, असमान को नहीं जोड़ सकते हैं। तो अगर आपको बताया गया हो कि इससे not only but also है, तो आप ये देख लें,
बट आल्सो के बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वही नॉर्मली के बाद ही होना चाहिए। आर के बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वही इधर के बाद ही होना चाहिए। तो नार के बाद कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, वही नीदर के बाद ही होना चाहिए। तो नार के बाद एक नाउन है, तो नीदर के बाद भी क्या है, नाउन है, यानी नो इंप्रूवमेंट। तो नीदर प्लांट्स नॉर एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा क्योंकि दोनों समान लेवल्स पे जुड़े हुए हैं। द प्रोफेसर हैज एग्रीड टू टेक रेमेडिएबल क्लासेस फॉर द वीकर स्टूडेंट्स, नहीं प्रोफेसर इसलिए एग्री हो गए हैं कि वो कमजोर बच्चों के लिए रेमेडिएबल क्लासेस लेंगे। तो क्या इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, क्या वो रिग्रेशन क्लासेस लेंगे, क्या वो रेमेडियल क्लासेस लेंगे, क्या वो रिस्टोरेटिव क्लासेस लेंगे, या फिर ये जो सेंटेंस है वो ऑलरेडी क्या है आपका सही है, नो इंप्रूवमेंट। ये कब कर पाएंगे आप, जब आप रेमेडिएबल और रेमेडियल और रिस्टोरेटिव वगैरह रिग्रेसल वगैरह की मीनिंग जानेंगे आप, तभी कर पाएंगे। रिग्रेसल मीन्स होता है निवारण, जब आप किसी समस्या से निवारण छुटकारा पा जाते हैं किसी प्रॉब्लम से, यह रिग्रेसल होता है। ये एड्रेस से बना है, एड्रेस मीन्स होता है ना किसी समस्या को निपटाना का समाधान निकालना, तो रिग्रेसल एडजेक्टिव बना दिया गया। रेमेडियल मीन्स होता है सुधारात्मक, सुधार इंप्रूव करने के लिए जो कदम आप उठाते हैं वो रेमेडियल होता है। रिस्टोरेटिव क्या होता है, रिस्टोरेटिव जैसे कोई भवन वगैरह है क्षति हो गई है आप उसे रिस्टोर कर रहे हैं, या फिर आपका हेल्थ है स्वास्थ्य कमजोर पड़ गए आप उसे रिस्टोर कर रहे हैं, वो रिस्टोरेटिव होता है। आप समझ सकते हैं वो कमजोर बच्चों को क्या करना चाहते थे, रेमेडिएबल करना चाहते। रेमेडिएबल क्या होता है, उपचार करने योग्य, रेमेडी प्लस एबल। तो क्या वो बच्चों के लिए उपचार करने योग्य की बात कर रहे हैं या फिर उनमें सुधार की बात कर रहे हैं, यही ना सुधार। रेमेडियल मीन्स सुधारात्मक होता है, इंप्रूव करने वाला। तो यहां रेमेडिएबल नहीं होगा, उपचार से संबंधित नहीं है, सुधार से संबंधित है, तो फिर यहां रेमेडिएबल के बजाय रेमेडियल हो जाएगा। तो द प्रोफेसर हैज एग्रीड टू टेक रेमेडियल क्लासेस फॉर द वीकर स्टूडेंट्स। मैं फिर कहूंगा वर्ड पावर पे मेहनत करेंगे तभी चीजें आपकी आसान होंगी, और जिन बच्चों को लगता है थोड़ा सा टफ हो रहा है वो बच्चे ये भी समझें आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। क्यों टफ हो रहा है, क्योंकि इस लेवल पे आपने मेहनत नहीं किया है। तो अभी अगर एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है, एक अवसर है, ये रेगुलर मैं सेट्स करा रहा हूं, तो आप इसका फायदा लें, धीरे धीरे इंप्रूव करें ना। अगर आप ये चाहते तुरंत आपके ये सब आ जाएगा तो नहीं आएगा, ये आपके पास वीडियो है, आप इसे एक बार दो बार जैसे अभी मैं बता रहा हूं आपने इसे फिर से जब दोबारा तैयार करेंगे तो आप आराम से इसको तैयार करेंगे। आप अगर ये सोचे बाबू कि आप एक बार में आप कर लेंगे तो मुश्किल है ना, अगर आप लेवल पे नहीं है तो आपको दिक्कत। बट इसकी सुविधा क्या है, आप जब पहली बार मैं बता रहा हूं तो आप इसे समझ रहे हैं, जान रहे हैं, अगली बार जब आप इसे अपने से करेंगे, इस वीडियो पे देखेंगे, अपने से तय कर लेंगे आज ये हम सेट तैयार करेंगे, तो आप देखिएगा हर हाल में आपके 20 क्वेश्चंस के आसपास आप कर सकेंगे आप, और ये बहुत बड़ी पूंजी होगी यदि आप ये तरीका अपनाएं। आप यहीं पे ना आजमाएं कि यहीं पे सवाच है, आप ये सोच लें कि आप जान रहे हैं समझ रहे हैं, अगली बार हम इसको ग्रैस्प करेंगे अर्थात इन पर अपना कमांड बनाएं, तो आप और बेहतर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रश्न नंबर 14, सडन एंड वायलेंट चेंज, कई बार एग्जाम में दिया गया। सडन अचानक, वायलेंट मीन्स बहुत ज्यादा बहुत अधिक, तो अगर कभी अचानक और बहुत बड़ा परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है, वो कैटापोलिज्म कहलाता है, कैटोलिसिस कहलाता है, कैटापॉम्स कहलाता है, या कैटसिज्म कहलाता है, क्या? अब यहां भी सोचें आप, मीनिंग से है, वर्ड पावर ही आपकी काम आएगी, तो अगर आप इन सारे शब्दों के अर्थ समझते हो तो आप कर लेंगे इनको। आप देखिए कैटापोलिज्म क्या होता है, वायलेंट चेंज को कहते हैं, जब बहुत अधिक परिवर्तन आ जाता है, जो नेचुरल वर्ड है आपका उसमें जब अचानक और बड़ा परिवर्तन आता है वो कैटापोलिज्म होता है, मींस ये इसका आंसर हो जाए। लेकिन आपके चारों वर्ष अच्छे हैं, चारों आपको तैयार करना चाहिए। कैटालिसिस क्या होता है, जैसे कोई केमिकल आप रिएक्शन कर रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन को जब आप एक्सेलरेट करते हैं, उसे बढ़ाते हैं, उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो उसे कैटालिसिस कहते हैं, हिंदी में समझते होंगे उसे उत्प्रेरण कहते हैं या उद्दीपन कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा, ठीक है। तो कैटालिसिस
उत्प्रेरण। कैटालिस्ट कौन होता है याद है? उत्प्रेरक, यानी वो जो उसे एक्सेलरेट कर रहा होता है। तो कैटालिसिस उत्प्रेरक, उत्प्रेरण। कैटाकॉम्स जो आपकी अंडरग्राउंड सिमेट्री होती है, कब्रिंग होती है, यानी वो स्थान अंडरग्राउंड प्लेस जहां पे लोगों को दफन किया जाता है, बरी किया जाता है, वो कैटाकॉम्स होता है। मीन्स वो कब्रें जो जमीन के नीचे होती है, अंडरग्राउंड प्लेसेस में होती है, वो कैटाकॉम्स होते हैं। कैटेसिज्म क्या होता है? अगर आप बाइबल वगैरह समझते थोड़ा बहुत, तो उनके द्वारा बाइबल से संबंधित या धार्मिक क्वेश्चंस के द्वारा बच्चों को धार्मिक शिक्षा देना कैटेसिज्म कहलाता है। जैसे मान ली हमने तय कर लिया कि हम हिंदू धर्म के बारे में बच्चों को जागरूक करेंगे, किसने तय कर लिया कि वो इस्लाम धर्म के बारे में बच्चों को जागरूक करेंगे, तो उनसे धार्मिक प्रश्न करेंगे। जब वो धार्मिक प्रश्न करेंगे तो बच्चे उसका जवाब देंगे। ये जो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है, ये प्रश्नोत्तरी ही कैटेसिज्म कहलाता है। यानी इफ यू आर क्वेश्चनिंग एंड समवन इज आंसरिंग जस्ट रिगार्डिंग रिलीजन, मीन्स धर्म से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी होती है उसे कैटेसिज्म कहते हैं। यानी प्रश्नों को पूछना, उसका जवाब देना, धार्मिक प्रश्न वगैरह संबंधित कैटेसिज्म कहलाता है। तो सडन एंड वायलेंट चेंज, जो अचानक बड़ा परिवर्तन होता है, वो कैटाक्लिज्म होता है। कैटालिसिस क्या हो गया? उत्प्रेरण, जब किसी केमिकल रिएक्शन को आप एक्सेलरेट करते हैं तो वो कैटालिसिस होता है। कैटाकॉम्स क्या होता है? जो अंडरग्राउंड प्लेसेस में दफन किए जाते हैं वो कब्रें जो होती है कैटाकॉम्स कहलाती हैं। और कैटेसिज्म क्या होता है? प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जिसमें धर्म से संबंधित प्रश्न और उत्तर पूछे और दिए जाते हैं। नेक्स्ट वन वर्ड है स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीजेस, नाक से संबंधित रोगों का जो इलाज करता है उसका एक्सपर्ट होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो कौन होता है? वो एक ऑटोलॉजिस्ट होता है, वो एक रेनोलॉजिस्ट होता है, वो एंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है, या जेरेंटोलॉजिस्ट होता है। अभी चारों वर्ड्स आपके एग्जाम में जरूरी है। ऑटोलॉजिस्ट है जो नाक से संबंधित रोगों का विशेषज्ञ है, रेनोलॉजिस्ट है, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है, या जेरेंटोलॉजिस्ट, बहुत इसी आना चाहिए आपको। देखिए ऑटोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो स्पेशलिस्ट इन एयर, यानी डिजीज इन एयर, जो कान से संबंधित रोगों का होता है उसे ऑटोलॉजिस्ट कहते हैं, इसे ऑरिस्ट भी कहते हैं, याद करिएगा AURIST। ऑरिस्ट मीन्स भी कान रोग विशेषज्ञ होता है, तो ऑटोलॉजिस्ट मीन्स भी कान रोग विशेषज्ञ। रिनोलॉजिस्ट कौन होता है? स्पेशलिस्ट इन डिजीज रिलेटिंग टू नोज, जो नाक से संबंधित रोगों का डॉक्टर होता है, स्पेशलिस्ट होता है, वो रिनोलॉजिस्ट होता है। तो ये आपका आंसर हो गया बी। इंडोक्रिनोलॉजिस्ट क्या होता है? इंडोक्रीन जानते होंगे, हार्मोन से संबंधित होता है, तो इंडोक्रिनोलॉजिस्ट जो हार्मोन्स से संबंधित विशेषज्ञ होता है वो इंडोक्रिनोलॉजिस्ट होता है। जेरेंटोलॉजिस्ट कौन होता है? जेरेंटो यानी वृद्ध, तो वृद्ध लोगों से संबंधित समस्याओं का, उनके रोगों का जो डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, वो जेरेंटोलॉजिस्ट होता है। तो ऑटोलॉजिस्ट कान रोग विशेषज्ञ, रिनोलॉजिस्ट नाक रोग विशेषज्ञ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हार्मोन से संबंधित विशेषज्ञ, और जेरेंटोलॉजिस्ट वृद्ध लोगों के रोगों का विशेषज्ञ, जेरेंटोलॉजिस्ट होता है। तो स्पेशलाइजेस इन नोज डिजीजेस रिनोलॉजिस्ट। सेंटेंस अरेंजमेंट, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। ये तो आपने किया होगा प्रैक्टिस, अगर आपने किया होगा। अ फ्यू वर्कमैन केम टू कट डाउन द ट्री, कुछ जो वर्कमैन थे, कामगार थे, वो उस पेड़ को काटने आए। इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, इसमें उन्हें पूरा दिन लग गया। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स, वो नहीं जानते तो रूट्स का क्या करना है। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू कट डाउन सच अ ह्यूज ट्री, यानी उस ह्यूज ट्री को काटना इतना आसान नहीं है। दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डग आउट, उन्होंने निर्णय किया कि वो रूट्स हर हाल में उसे खोद करके निकालना होगा। एट लास्ट द ट्री वॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड, और अंत में वो पेड़ जमीन पर पड़ा हुआ था। अगर आप देख रहे होंगे, A few workmen came to cut down the tree. कुछ वर्कमैन आए ताकि उस पेड़ को काटना है। आपको लगेगा ये सही है, नहीं पूरा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये सही है।
आज सबसे पहले आएगा। क्यों? वो पेड़ को काटने आए। इट वॉज नॉट एन इजी जॉब, ये आसान कार्य नहीं था टू कट डाउन सच अ ह्यूज ट्री, इतने बड़े पेड़ को काटने। जब ये आसान कार्य नहीं था तब नहीं इसके बाद आएगा, उस पेड़ को काटने में दिन भर लगे, सबसे पहले आर आएगा। अब तरीका सीखे, अगर आपको लग रहा है सबसे पहले आर आएगा तो चारों ऑप्शन में जाएं, आपके पास सी और बी में आर पी। अब देखिए एक सुविधा हो गई आपकी, दोनों में आर और पी है यहां यहां, यानी आपको एक थियरी आपको पता चल गई कि अ फ्यू वर्कमैन केम टू कट डाउन द ट्री, आर इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू कट डाउन सच ह्यूज ट्री, सही। इसके बाद पी आपको पता है, पी आएगा इट टुक देम ऑल मॉर्निंग, और पूरी सुबह, पूरा सुबह लग गया इसमें। अब हमें यह देखना है आर पी के बाद एस आएगा या आर पी के बाद क्यू आएगा। सबसे पहले क्यू लिखकर देखते हैं, अ फ्यू वर्कमैन केम टू कट डाउन द ट्री, इट वॉज नॉट एन इजी जॉब टू कट डाउन सच ह्यूज ट्री, इट टुक देम ऑल मॉर्निंग। अब क्यों लेते हैं, दे यानी वो पेड़ काटने में दिन सुबह लग गई, दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद द रूट्स, वो नहीं समझ पाए, नहीं जान पाए उन रूट्स का क्या करना है। और नेक्स्ट है दे डिसाइडेड दैट द रूट्स हैड टू बी डग आउट, जब पहले वो नहीं जानते थे कि रूट्स का क्या करना है, बाद में उन्होंने निर्णय किया होगा कि उन रूट्स को क्या करना है, डग आउट करना है। इट मीन्स जब भी आएगा क्यू के बाद ही एस आएगा, क्लियर है, यानी बी सही होगा न कि सी सही होगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा आर पी क्यू, ऐसे क्लू है जब भी एस आएगा क्यू के बाद आएगा तो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अ मॉब वेंट बर्सर, वो बर्सर मीन्स बिल्कुल उपद्रवी हो जाना, जाहिल हो जाना, जंगली हो जाना, उपद्रव करना। अ मॉब वेंट बर्सर, मॉब खुद ही उपद्रवी होती है, आप समझते हैं ना, कहीं पे इकट्ठे लोग हैं बिना मकसद के, तो वह एक क्राउड होती है, किसी छोटे मोटे मकसद के लिए इकट्ठे होते हैं तो वो गैदरिंग होती है, अगर किसी विशेष मकसद के लिए इकट्ठे हैं तो वो एक असेंबली है, जैसे कोई कानून वगैरह निर्माण करना, ये असेंबली है, अगर वो किसी धार्मिक मकसद के लिए इकट्ठे हैं तो वो कांग्रीगेशन है, अगर वो भीड़ भागते हुए लोगों की, चलते हुए लोगों की भीड़ है तो वो रश है, चलते हुए अगर वो लूटपाट करने वाली भीड़ है तो वो मॉब है आपका, ऐसे डिफरेंस करें आप। तो अ मॉब वेंट बर्सर एट आरसीकर्ड हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे, यानी फ्राइडे को आरसीकर्ड हॉस्पिटल में एक मॉब बर्सर हो गई, मीन्स उपद्रवी हो गई, उपद्रव करने लगे। द एजिटेटर्स, एजिटेटर्स मीन्स प्रदर्शनकारी, उपद्रवी। The agitators also smashed equipment and windows of the hospital. Equipment समझते हैं कि औजार वगैरह होते हैं। उन्होंने क्या किया? Hospital के जो windows थे, औजार वगैरह, सामान वगैरह smashed, उसे नष्ट कर दिया, तोड़ता हुआ। The boy had died on the operating table soon after being administered anesthesia. The boy had died. लड़का मर चुका था on the operating table. Operating table पर ही Soon after being administered anesthesia, कब? जैसे उसे anesthesia दिया गया, उसके कुछ ही देर बाद लड़का मर गया। ये तो क्यों कभी नहीं पहले आएगा। This happened after the death of a 15-year-old boy. यह हुआ after the death of a 15-year-old boy, एक 15 साल के बच्चे के मौत के बाद। ये तय है कि यह हुआ, क्या हुआ? वो जो भीड़ बर्सर्क हो गई। और आगे देखते हैं, द विक्टिम्स रिलेटिव्स एंड नेबर्स क्लैश विद द, ये तो बाद में आएगा ना, सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, यही ना, दिस हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ अ 15 ईयर ओल्ड बॉय, यानी ऐसा तब हुआ जब एक 15 साल के लड़के की मौत हो गई। क्या हुआ ऐसा तब? कि वो मॉब वेंट बर्सर्क हो गई, यानी जब भी आएगा आर पहले आएगा। अभी चार ऑप्शन है, क्यू से है, आर से है, पी से है, एस से है। हो गया आंसर आपको, सोचे, यू वोंट हैव टू पजल, यानी आर क्यू एस पी हो जाए, सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ये तय है कि आपका आर पहले है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आर के बाद क्यू रख के देख लेते हैं। अ मॉब वेंट बर्सर्क एट आरसीकर्ड हॉस्पिटल ऑन फ्राइडे, दिस हैपेंड आफ्टर द डेथ ऑफ अ 15 ईयर ओल्ड बॉय,
इसके बाद क्यू है, सही है, उसके बाद द बॉय है डाइड, यानी स्पष्ट है कि आपका सही आंसर कुछ है। फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बिल्कुल इजीली, बहुत बार आपके एग्जाम में दिया गया, कौन सा सही है, बहुत आसान, तुरंत बता सकते हैं आप कौन सा, ऑब्सोलीट, OBSOLETE, ऑब्सोलीट मींस दैट इज आउट ऑफ फैशन, जो चीज प्रचलन से बाहर हो चुका हो अब वो ऑब्सोलीट हो जाता है। कोई शब्द अगर प्रचलन से बाहर है तो वो आर्केइक हो जाता है, ARCHAIC, आर्केइक, कोई शब्द अगर प्रचलन से बाहर है तो वो आर्केइक है, कोई प्रथा अगर प्रचलन से बाहर है तो वो ऑब्सोलीट है, और कोई फैशन अगर प्रचलन से बाहर है तो वो आउटडेटेड हो जाता है। फैशन कोई अब खत्म हो चुका हो तो आउटडेटेड हो गया, जैसे अमिताभ बच्चन की वो चौड़ी चौड़ी मोहरियां क्या हो गई, आउटडेटेड हो गई। कोई प्रथा अगर ऑब्सोलीट हो गई, जैसे 3 फुट का घूंघट निकालना आप देख रहे हो धीरे धीरे खत्म हो गई है, तो ऑब्सोलीट हो गई कोई प्रथा। कोई शब्द आपका जैसे HYME हिम पहले पढ़ते थे, अब ये क्या हो गया, आर्केइक पुराना हो गया, तो आर्केइक हो गया। अलग अलग ये डिफरेंशिएशन है। वॉयस बिल्कुल इजी है, देखिएगा सबसे पहले अपने पर विश्वास करें तो हर चीज इजी हो जाए। द डॉक्टर हैज गिवन, जैसे ही हैज गिवन पढ़ा आपने, आप तुरंत समझ जाए पैसिव वॉयस में हैज बीन या हैव बीन आएगा, मत आगे बढ़े, पहले देख लें, आपको शायद मेहनत ही ना करनी पड़े आपको। अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन हैज बीन गिवन, हो सकता है, और ऑब्जेक्ट भी देखे हैं, अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन तो हो सकता है, आगे भी देख लें। द डॉक्टर गिव्स, तुरंत लीव आउट कर दे, छोड़ दे। अ वेरी पेनफुल इंजेक्शन इज, हटा दे। गिविंग अ पेनफुल इंजेक्शन टू मी हैज बीन डन, डन वगैरह कहा, और ये ऑब्जेक्ट भी नहीं आपका। इतना इजी आपका वॉइस होता है यदि आप इस समझ लें कि जैसे आपने हैज गिवन देखा, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लेनी है, हैज बीन, हैव बीन, दिस इज सो इजी, यानी इसका आंसर हो गया ए ऑप्शन। नरेशन, माय फादर सेड टू मी डोंट टॉक टू योर मदर लाइक दैट, मेरे पिता ने मुझसे कहा अपनी मां से ऐसे बात ना किया करो। ये इंपरेटिव है और इंपरेटिव में मना किया जा रहा है, वो भी मना कैसे किया जा रहा है, चेतावनी देकर के अपनी मां से ऐसे बात मत करना ऐसे। माय फादर वार्न्स मी, होगा कभी, कभी नहीं। माय फादर वार्न मी नॉट टू, सही है, अगर आप नरेशन याद हो, नॉट टू टॉक टू माय मदर लाइक दैट, हो सकता है। My father warned me not to have कहां से आ जाए, गलत है। My father warns, matter finish, बिल्कुल easy है, B option आपका। My father warned me not to talk to my mother like that, मेरे पिता ने मुझे चेतावनी दी कि मैं अपने माँ से इस तरह से बात न करूं, तो B option हो जाएगा, बहुत आसान। Plus test passes, और ये बढ़िया passes है, आपको इसे समझ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपसे ही बिलोंग करता है। समटाइम्स, कभी कभी फेट इज लाइक अ स्मॉल सैंड स्टॉर्म, कभी कभी जो आपका भाग्य है वो एक स्मॉल सैंड स्टॉर्म की तरह है, छोटे से रेत के तूफान की तरह है, दैट कीप्स डैश डायरेक्शंस, जो डायरेक्शंस को डॉट डॉट, यू चेंज डायरेक्शन, आप दिशा बदलते हो, बट द सैंड स्टॉर्म चेसेस यू, लेकिन वो रेत का तूफान जो है वो आपका पीछा करता रहता है, और ये रेत का तूफान है क्या, फेट है, फेट इज लाइक अ स्मॉल सैंड, तो कंपैरिजन समझ लीजिएगा, यानी सैंड स्टॉर्म मतलब आपका फेट। फिर से, समटाइम्स फेट इज लाइक अ स्मॉल सैंड स्टॉर्म, सैंड स्टॉर्म दैट कीप्स डैश डायरेक्शंस, क्या होगा, कीप्स चेंज होगा, कीप्स चेंज डायरेक्शंस, कीप्स चेंजिंग डायरेक्शंस, कीप्स चेंज्ड डायरेक्शंस, या कीप्स टू चेंज डायरेक्शन, यह आपका ग्रामर का बेहतर नॉलेज काम आएगा। क्या बेस्ट, समटाइम्स फेट इज लाइक ए स्मॉल सैंड स्टॉर्म दैट कीप्स क्या डायरेक्शंस को वो करती रहती है, बिल्कुल इसे आपको आना चाहिए था, जैसा आप कहना हो, वह सोता रहा, he kept sleeping, not he kept slept,
He kept sleeping. वह पढ़ता रहा. He kept reading. या he continued reading. So as soon as you see here the word keeps, you must remember it will have to use changing. So sometimes fate is like a small sandstorm that keeps changing. यानी keep के बाद continue के बाद क्या लिया? Verb plus ing. वैसे avoid के बाद, worth के बाद भी, use के बाद भी verb plus ing आता है. तो sometimes fate is mind के बाद भी ing आता है. Sometimes fate is like a small sandstorm that keeps changing directions. यानी आप याद करें, keep के बाद, mind के बाद, worth के बाद, इनके बाद, continue के बाद, अगर आप सीधे verb लेंगे तो हमेशा ing में आएगा. You change direction. आप direction को change करते हो, but the sandstorm. Sandstorm में समझ रहे हैं? Fate is like. यानी but the sandstorm chases you. लेकिन आपका भाग्य आपके पीछे पीछे चलता रहता है. You turn again. आप फिर घूमते हो, but the storm adjust. लेकिन जब आप घूमते हो तो आपका भाग यानी वो सैंड स्टॉर्म क्या कर लेता है? अपने आप को एडजस्ट, समायोजित कर लेता है. ओवर डॉट ओवर. थोड़ा सा भी ग्रामर आपका स्ट्रांग होगा तो आप समझेंगे ओवर डॉट डैश ओवर क्या होगा. बिल्कुल इजी है. ओवर एंड ओवर होगा, ओवर सेंस ओवर, ओवर बट ओवर या ओवर आर ओवर. बहुत आसान है. Over and over, over means बार बार. Over and over, you play this out. आप बार बार उसे क्या करते हो? Play this out. उसे थका देते हो, उसे पीछा छुड़ाते हो. Like some ominous dance with death just before dawn. बार बार आप उसे पीछा छुड़ाते हो. Like some ominous dance, जैसे वो कोई क्या हो, कोई अपशकुन से भरा हुआ dance हो. With death, इसके साथ, मृत्यु के साथ, just before dawn, वो भी कब? भोर के ठीक पहले. आप इस तरीके से उससे पीछा छुड़ा लेते हो. Why? क्यों आप ऐसा करते हो? क्यों पीछा छुड़ाना चाहते हो? Because this storm isn't something that blew in dash far away. क्योंकि ये storm वो नहीं है that blew in dash far away, that blew in far far away, that blew in off far away, that blew in from far away, that blew in farm from. ये farm तो कभी नहीं आएगा. इन्हीं तीन में से आपको आएगा. और अगर आपको याद हो तो आप कर लेंगे. ठीक है, फिर से देख लेते हैं. ओवर एंड ओवर यू प्ले दिस आउट लाइक सम ओमिनस. ओमिनस मीन्स अपशकुन भरा, दैट इज नॉट सुटेबल फॉर यू. Like some ominous or auspicious for you, जो आपके लिए ना हो वो ominous है. Like some ominous dance with death just before dawn. Why? क्यों ऐसा होता है? Because क्योंकि this storm, कौन सा storm? वो fate, वो sand storm. This storm isn't something that blew in. क्या हो रहा है? Far away बता रहा है चीख चीख के. Blew in समझ, blowing, जो आपके पास आया, जो एक तूफान की तरह आपके पास आया. कहां से? फ्रॉम हो जाएगा, फ्रॉम फार अवे, बहुत दूर से. यानी ये कोई ऐसा तूफान नहीं है जो बहुत दूर से ब्लू इन आपके अंदर आया. समथिंग दैट हैज नथिंग टू डू विद यू, कोई ऐसा नहीं है जिससे आपको कोई मतलब नहीं है. बल्कि दिस स्टॉर्म इज यू, ये तूफान ही कौन है? आप हो, क्योंकि आपका भाग्य आप ही तो हो. समथिंग डैश ऑफ यू, ग्रामर का अच्छा नॉलेज आपके काम है. समथिंग इन टू ऑफ यू, समथिंग ऑन ऑफ यू, समझ रहे होंगे. समथिंग इनर ऑफ यू, समथिंग इन साइड ऑफ यू. कौन सा से? ये दो तो नहीं होने हैं, इन टू और ऑफ. Something into of you नहीं होगा, something on of you नहीं होगा. दो में से एक होगा. Something inner of you या something inside of you. आप सोच देखें, inner क्या होता है? वो सब कॉन्सेंस होता है, उससे नहीं मतलब यहां पे. Something inside of you, जैसे कोई आप ही के अंदर की चीज हो. क्या? आपका भाग्य. यानी भाग्य ऐसा है, something inside of you, जो आप ही के अंदर का है.
So, इसलिए all you can do, जो कुछ भी आप कर सकते हो, वो क्या है? Is given to it. कि आप उस भाग्य के आगे क्या कर दो? Given means हार मान, समर्पण कर दो. उसको हराने की सोचना, थकाने की सोचना छोड़ दो. You all you can do, जो कुछ भी आप कर सकते हो, is give into it. उसके आगे समर्पण कर सकते हो. स्टेप, और जब समर्पण कर दो तो स्टेप राइट इनसाइड द स्टार, उस भाग्य के अंदर प्रवेश करो, महसूस करो उसे आप. क्लोजिंग योर आईज, अपनी आंखें बंद करो, यहां नहीं बंद करेगा, अपनी आंखें बंद करो. एंड प्लगिंग अप योर ईयर्स, अपने कानों के उंगलियां डाल लो. सो ताकि द सैंड डजंट गेट इन, ताकि उस सैंड अंदर न जाए. एंड वॉक करो, वॉक थ्रू इट, वॉक दो इट, वॉक थ्रू इट, वॉक थॉट इट. इससे आसान क्या मिलेगा? बिल्कुल इजी. एंड वॉक थ्रू इट, और उस भाग्य से होकर के गुजरो स्टेप बाय स्टेप. कैसे? कदम दर कदम, भाग्य के साथ कदम दर कदम मिला करके क्या हो आप? आगे बढ़ो. एक्चुअली लाइन, अगर आप नेट पे जाएंगे, ये जापानीज ऑथर हिराकी मुरुक्षमा, ऐसे कुछ नाम है, उनकी लाइन्स हैं जो उन्होंने लिखा था, उन्हीं से ये पैसेज बना करके आपको क्लोज टेस्ट में आपको दिया गया है. इसे अच्छे से पढ़िएगा, लाइफ में बहुत कुछ आप सीखेंगे. आप मुझे जरूर बताइएगा 25 क्वेश्चंस में आपके कितने सही हो रहे हैं, या कितना आप समझ रहे हैं, क्या आप पहले से बेहतर हो रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं. और फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप जरूर ये समझें, ये प्रैक्टिस सेट्स, इनके लिए जो जो चीजें चाहिए, वो कई चीजें जो जल्दी मैंने कहा मैं वीडियोस बना के एक दो दिन में आपको दूंगा. मैं क्या क्या चीजें कॉमन एरर के लिए, क्या क्या चीजें सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए, क्या क्या चीजें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको चाहिए, ये मैं जल्दी ही दूंगा. तो जो बच्चे कम समझ रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कम समझ रहे होंगे क्योंकि उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं होगा, उनका नरेशन क्लियर नहीं होगा, उनका वॉइस क्लियर नहीं होगा, उनका कंडीशनल नहीं क्लियर होगा, उनका पॉजिटिव नहीं क्लियर होगा, उनका इनकोएटिव नहीं क्लियर होगा, उनका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस नहीं क्लियर होगा, उनका इन्वर्जन नहीं क्लियर होगा, उनका क्वेश्चन टैग नहीं क्लियर होगा, उनका टेंस नहीं क्लियर होगा, उनका मॉडल्स नहीं क्लियर होगा, उनका सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं क्लियर होगा. अगर ये नहीं क्लियर रहेगा तो आप यहां फंसेंगे, लेकिन कोशिश करें तब भी आप. और जिन बच्चों का क्लियर है उनके लिए बेस्ट, वो आराम से यहां रिविजन कर सकते हैं और अपने को एग्जामिन कर सकते हैं कि हम कितना बेहतर कर रहे हैं. और अभी आगे एग्जाम्स हैं, बहुत सारे हैं, उन सब में ये चीजें आपकी काम आएंगी. और जाते जाते मैं फिर से कल फिर से 8 बजे मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा, और रेगुलर में रहूंगा करीब आपके साथ. आप इसे सॉल्व करते रहें, लेकिन आपकी जिम्मेदारी कि आप अधिक से अधिक इन्हें लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें और शेयर करते रहें, बच्चों को अधिक से अधिक बताते रहें. आपका सहयोग अपेक्षित है, विश्वास है आप निश्चित ही अपने इस टीचर का सपोर्ट करेंगे. थैंक यू.